हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत स्वागत करता हूं हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति आज ये दूसरा नवरात्र और माता रानी आप सभी का साथ दें साथियों स्टार्ट करते हैं आज थोड़ा सा लेट हो गए मैं आ तो गया था मेरा थोड़ा गला बिल्कुल एकदम काम नहीं कर रहा तो थोड़ा गला पानी पी पा के इसको थोड़ा सा सही करने का प्रयास कर रहा था पेन और कॉपी अपने हाथ में ले लेना और आज तारीख कौन सी है तो आज है तारीख बच्चा आठ अक्टूबर कौन सा अक्टूबर आठ अक्टूबर तो आठ अक्टूबर के अपने करंट अफेयर और एक और बेहतरीन सी क्लास के साथ क्लास लेकर मैं आप सभी के साथ हूं आठ अक्टूबर थोड़ा सा ध्यान देंगे ये तीन चार क्लासेस जैसे नौ अक्टूबर सुबह आठ बजे से बहुत बेहतरीन जीडी के दस घंटे के लगातार फिर आप सभी को मैं याद दिला दू हम लोग ये क्लास लेकर आ रहे हैं तीस दिन का ब्रह्मास्त्र एस एस सी जी डी के लिए ये मैं परसों रविवार सुबह ग्यारह बजे लॉन्च करूंगा और ये एस एस सी जी डी की ये रविवार की कुछ क्लासेस है जैसे सुबह ये तीन महारथियों के साथ आपकी और शाम को ये तीन महारथियों के साथ तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं कहते हैं कि आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है यही समय है कुछ करने का मेरा दोस्त मेरे दोस्त इसे अभी खोना नहीं है तो याद रखिएगा यह बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है इस समय आगे आ जाते हैं बच्चा किस राज्य सरकार ने हाल ही में आमा योजना शुरू की है कौन सी योजना शुरू की है आमा डबल ए एम ए इसमें क्या होगा कि जो माताएं कहीं पर नौकरी नहीं कर रही हैं या जो माताएं अपने घर पर हैं बेरोजगार है वो नौकरी नहीं कर रही माताएं याद या या रखिएगा अर्थात जो शादीशुदा है मदर है उनके खाते में असम सरकार प्रत्येक वर्ष बीस हजार रुपए जमा कराएगी कितने रुपए जमा कराएगी बीस हजार रुपए का नाम है आमा योजना इस योजना का नाम क्या बच्चा आमा योजना इसमें कितने रुपए जमा कराएगी असम सिक्किम सरकार बीस हजार रुपए और ये लॉन्च किसने किया साथी मदर्स के खाते में जो कहीं पे जॉब नहीं कर रही है तो सिक्किम सरकार इसे साथी जमा कराएगी कौन सी सरकार सिक्किम सरकार तो याद रखिएगा माताओं को बीस हजार रुपए देने के लिए यह सिक्किम ने आमा योजना शुरू की है यह किसने शुरू की है साथी सिक्किम सरकार ने आमा योजना शुरू की है इसके लिए लगभग तीन साल में अगले तीन साल में सौ करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और इसी वर्ष सरकार बत्तीस करोड़ रुपए पर खर्च करेगी और कुल मिला के से दो तक कुल कितने रुपए का बजट रखा गया है तो आप कहोगे सर 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है बहुत बढ़िया इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कुछ नकद पुरस्कार की भी घोषणा की है जैसे अगर कोई सबसे स्वच्छ ग्राम होता है सबसे साफ गांव सिक्किम का तो उसे पांच लाख रुपए मिलेंगे जबकि दूसरे और तीसरे स्थान को तीन लाख और दो लाख सबसे स्वच्छ ग्राम सबसे स्वच्छ गांव जो भी सिक्किम का होगा उसे चुना जाएगा तो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा तो पांच लाख रुपए सेकंड पोजीशन पर अगर वो गांव आता है तो तीन लाख रुपए और अगर थर्ड पोजीशन पर वो गांव आता है तो याद रखिएगा साथी दो लाख रुपए सिक्किम सरकार ने देने की घोषित गोश, घोषणा की है सिक्किम सरकार ने सबसे स्वच्छ ग्रामों को प्राइज देने की घोषणा भी की है सिक्किम की बात कर लेते अभी दो तीन दिन पहले ही हमने सिक्किम को अच्छे से पढ़ा था फिर से हम लोग एक बार सिक्किम के बारे में पढ़ लेते कोई बात नहीं सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तुरं तुरंत तुरंत लिखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य प्रथम ऑर्गेनिक स्टेट भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य भी है यह सब क्वेश्चन पेपर में आते हैं भारत का पहला ओपन डिफिकेशन फ्री राज्य भी है ओडीएफ राज्य या फिर कह सकते हैं खुले में शौच से मुक्त राज्य खुले में शौच से मुक्त राज्य शौच से मुक्त राज्य हाल ही में आपको याद होगा बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है एक जनवरी 2022 से बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध बोतलबंद पानी पर क्या लगा दिया इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया ये भी याद रखिएगा हाल ही में सिक्किम सरकार ने बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया मुख्यमंत्री हो जाते प्रेम सिंह तमांग राज्यपाल गंगा प्रसाद विधानसभा की बत्तीस सीट राज्यसभा एक लोकसभा एक विधानसभा की बत्तीस सीट याद रखिएगा वैसे तो विधानसभा की सीट 40 से कम नहीं होनी चाहिए लेकिन ये चार राज्य हैं गोवा मिजोरम गोवा मिजोरम और आपका एक हो जाता है सिक्किम एक हो जाता है पुदुचेरी तीन राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां पर साथी जो इनकी विधानसभा है उनकी संख्या साठ से कम है कितनी है साठ से कम नॉर्मली साठ से कम नहीं होनी चाहिए और पांच सौ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन यहां पर जो विधानसभा की संख्या है वो साठ से कम है जैसे गोवा में जो रामचालीस तो गुड मॉर्निंग एसपी साहब ये हमने ट्रिक भी याद करी थी विधानसभा की बत्तीस सीट राज्यसभा की एक अलोक सभा की भी एक सीट कुछ समय पहले सिक्किम ने जो कटले मछली होती है उसको अपने राज्य की मछली घोषित किया था क्या घोषित किया था कटले मछली को अपने राज्य की मछली घोषित किया था चलिए उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण जो अगला आ जाता है यहां से इसके बाद में लिखिए सिक्किम के राजकीय के चिन्ह क्या लिखिए साथी सिक्किम के राजकीय के चिन्ह या स्टेट सिंबल्स बच्चा कोई कम देखे बेशक इस क्लास को लेकिन तुम पेपर में इस क्लास को मिलाना मैं तुमसे बस इतना कहूंगा तुम लोग पेपर में पूरा दिल ठोक के जाना और आके बताना कि भैया आपने जो वादा किया था वो वादा कामयाब हुआ या नहीं हुआ तो स्टेट सिंबल्स लिख लीजिए स्टेट सिंबल्स या राजकीय चिन्ह बोल देते हैं इनको राजकीय चिन्ह पशु बताइए कुछ दिन पहले बताया था पशु बताइए पक्षी बताइए फूल और वृक्ष बताइए फूल और वृक्ष बताइए सिक्किम का एकमात्र नेशनल पार्क सिक्किम का एकमात्र नेशनल पार्क बताइए सिक्किम का एकमात्र नेशनल पार्क सिक्किम के फेमस मठ बताइए सिक्किम के फेमस मठ बताइए सिक्किम के फेमस मठ बताइए तो याद रखिएगा, पशु हो जाता रेड पांडा पशु क्या हो जाता लाल पांडा रेड पांडा ये सिक्किम का पशु हो जाता है रेड पांडा क्या हो जाता है साथी सिक्किम का पशु हो जाता है बिल्कुल सही पक्षी हो जाता है ब्लड फिजेंट ब्लड पी एच ई एसे एंटी फिजेंट फूल हो जाता है नोबल फूल हो जाता है नोबल डेंड्रोबियम डेंड्रोबियम देंड्रो नोबल डेंड्रोबियम और साथी वृक्ष हो जाता है रोडो डेंड्रोन रोडोडेंड्रोन क्या लिखा स्टेट सिंबल में पशु रेड पांडा पक्षी ब्लड फिजेंट फुल हो जाता है नोबल डेंड्रोबियम और वृक्ष हो जाता है आ आगे जाता है नेशनल पार्क कंचनजंगा नेशनल पार्क कंचनजंगा नेशनल पार्क याद रखिएगा नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है यह साथी भारत का एकमात्र यूनेस्को विश्व विश्वरासत स्थल ऐसा है जो कि मिक्स श्रेणी का है किस श्रेणी का विश्व विश्वरासत स्थल है मिक्स श्रेणी का यह विश्व विश्वरासत स्थल हो जाता है यह कौन सी श्रेणी श्रेणी का हो जाता है तो याद रखिएगा साथी यह मिक्स श्रेणी का हो जाता है किसका हो जाता है यह मिक्स श्रेणी का हो जाता है आगे आ गया जाता है इंचे मठ ई e एन सी एच ई -E वाई इंचे मठ रूम मठ रूम मठ और लिख लीजिए फोड़ांग मठ फोड़ांग मठ लाचुंग मठ लाचुंग मठ टाशीडिंग टाशीडिंग मठ लिख लीजिए ये क्या हो जाते साथी मठ हो जाते बहुत बढ़िया पशु रेड पांडा पक्षी हो जाता है ब्लड फिजेंट फूल हो जाता है नोबल डेंड्रोबियम वृक्ष हो जाता है रोडोड्रोन कंचनजंगा यह यूनेस्को श्रेणी का एक आप कहिए कह सकते हो कि विश्व विरासत स्थल है है विश्व विरासत स्थल कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम की सीमा पर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी मठ की बात करें जो मोनेस्ट्रीज होती है क्या होती है सती मोनेस्ट्रीज तो याद रखिएगा इंचे मठ रूमटेक मठ मठ लाचुंग मठ लाचुंगमठ मठ लाचुंग मठ और कौन सा मठ हो जाता है बिल्कुल सही टाशी मठ हो जाता है कौन सा हो जाता है साथी टाशी मठ हो जाता है चलिए त्योहार की बात कर लेते हैं उत्सव या पर्व की बात कर लेते हैं फेस्टिवल की बात कर लेते हैं लोक फेस्टिवल फोक फेस्टिवल्स जो होते हैं तो फोक फेस्टिवल्स में लिखिए फोक फेस्टिवल्स में पहला लिखिए साथी लोसार ये तिब्बती नववर्स होता है लूसुंग लूसुंग एल डबल ओ एसे एन जी लुसुंग तीसरे लिखिए नाम सुंग एच डबल ओ एन जी लूसुंग लू सुंग, लू सुंग फिर लिखिए नाम सुंग लुसुंग, सुंग लूसुंग नाम लोसार लू साका दावा भी मनाया जाता है क्या लिखा लोसार लुसुंग लो नामसुंग साका दावा लोसार बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही कागियेड छाम कागियेड कागियेड छाम अब सत्य नृत्य लिख लीजिए क्या लिख लीजिए बच्चा नृत्य और लिख लीजिए यहां के नृत्य लिख लीजिए तो नृत्य में मैं पहले बता चुका था यहां पे तीन कम्युनिटी पाई जाती हैं यहां के जो डांसेस होते हैं तो डांसेस में तीन कम्युनिटी पाई जाती हैं तीन कम्युनिटी एक दो तीसरी इधर लिख लीजिए नेपाली इधर लिख लीजिए लेपचा और इधर लिख लीजिए भूटिया तीनों के अपने अपने डांस होते हैं तीनों के क्या हो जाते हैं अपने अपने डांस जैसे मारूनी यह नेपाली कम्युनिटी का बहुत बढ़िया डांस होता है मारूनी मारूनी के बाद में इनका हो जाता है एक नौमाती नोमाती तो क्या क्या हो जाता है नेपाली कम्युनिटी का, तो का एक हो जाता है मारूनी एक हो जाता है बच्चा आपका नोमाती तमंग सेलो क्या हो जाता है तमंग सेलो घुटिया का हो जाता है याक चाम, याक नृत्य हो जाता है टाशी शेबडो हो जाता है टाशी शैबडो तो मारूनी नोमती हो जाते नेपाली के और भूटिया का हो जाता है याक छाम ताशी शेबडो लेपचा का हो जाता है जो मल लोक जो मल लोक एक हो जाता है इनका शु फाट और एक हो जाता है रूम फाट एक क्या हो जाता है रूमफाट लिखिए तो लोसार लुसुंग नामसुंग साका फेस्टिवल हो जाते मारुनी नोपाती इनमें से एक पक्का इस बार आना है मारुनी किस कौन सी कौन सा समुदाय मनाता है या किस समुदाय का नृत्य है तो नेपाली समुदाय का है किस राज्य का सिक्किम राज्य का किस राज्य का नृत्य है तो आप लोग याद रखिएगा सिक्किम राज्य का साथ ही पहले यहां पर एयरपोर्ट नहीं हुआ करता था पाकिंग एयरपोर्ट यहाँ का भारत का सोवा एयरपोर्ट बना है कौन सा भारत का भारत का का इससे पहले यहां पर बागडोगरा एयरपोर्ट हुआ करता था इसके बिल्कुल पास में कौन सा हुआ करता था बागडोगरा वेस्ट बंगाल में यहां का खुद का कोई एयरपोर्ट नहीं था फिर बनाए सिक्किम के पास पाकिंग एयरपोर्ट सिक्किम के पास पाकिंग एयरपोर्ट यहीं से साथी आपका चोलामू झील होती है कौन सी झील चोलामू झील सबसे ऊंचाई पर स्थित तो ये हो जाते कुछ सिक्किम से जुड़ी हुई खबरें ये क्या हो जाते सिक्किम से जुड़ी हुई खबरें याद रखिएगा प्रेम सिंह तमांग सीएम राज्यपाल गंगा प्रसाद सिंह बत्तीस विधानसभा की सीट एक लोकसभा एक राज्यसभा की सीट एक लोकसभा एक राज्यसभा नेपाली भूटिया लेपचा ये तीन प्रमुख समुदाय होते नेपाली समुदाय का डांस होता है मारूनी और नोमाती का हो जाता है याकछांग टाशी शेमडो अलेपचा कम्युनिटी का हो जाता है एयरपोर्ट सिक्किम में स्थित है बागडोगरा एयरपोर्ट पहले हुआ करता था वेस्ट बंगाल में यहां पर इनका खुद का नहीं था फिर भारत का सौवा पाकिंग ये कहां पर बनाए सिक्किम में बनाए कहां पर बनाए सिक्किम में चलिए आगे आ जाता है तो अम योजना यह सिक्किम की योजना है अमय योजना किसकी योजना है तो साथ ही ये सिक्किम की योजना है आगे आ जाता है केरल में नमक सत्याग्रह का मुख्य स्थल कौन सा था केरल में देखिए नमक सत्याग्रह कई जगह हुआ जैसे आप देखेंगे तो डांडी यात्रा तो डांडी यात्रा भाई जो प्रमुख यात्रा थी तो डांडी यात्रा इसमें 6 अप्रैल को नमक कानून जो तोड़ा इससे महात्मा गांधी जी जुड़े हुए थे महात्मा गांधी जी ये गुजरात महाराष्ट्र में इसी तरह साथी इसी तरह धर्सना नमक आंदोलन की बात करें धर्सना नमक सत्याग्रह धर्सना नमक स्थान पर नमक सत्याग्रह जहां पर पुलिस ने बहुत ज्यादा लाठी चलाई थी यहां पर सरोजिनी नायडू जी थी सरोजिनी नायडू धर्सना में इसी तरह वेदराण्यम वेदराण्यम से त्रिचरापल्ली तक की जो यात्रा की थी यहां भी एक डांडी यात्रा हुई थी आप ये कह सकते हो अपने दक्षिण भारत में इनकी यात्रा हो जाती है क्या नाम है अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी सी राजगोपालाचारी अब आ जाते बच्चा केरल में नबक सत्याग्रह का प्रमुख केंद्र कौन सा था तो याद रखेगा पायनूर करके ये केरल में प्रमुख केंद्र था और यहां के जो लीडर थे वो थे साथी के केलप्पन यहां के लीडर कौन थे के केलप्पन अभी क्या था कि सात तारीख को इनकी मृत्यु जो इनका मृत्यु दिवस होता है तो यही इसी की वजह से इनका आज क्वेश्चन मैंने दिया है कि केरल में नबक सत्याग्रह का मुख्य स्थल कौन सा था तो पायनूर था कौन सा था पायनूर और इससे जुड़े हुए सत्याग्रही कौन थे थे के केलप्पन इन्हें केरल का गांधी भी कहा जाता है इनके पुण्य तिथि मनाई जाती है एक होती है जन्म तिथि और जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उस दिन पुण्य तिथि कहते हैं तो सात अक्टूबर को साथी इनकी पुण्य तिथि मनाई गई ये पायनूर और कालीकट नमक सत्याग्रह के उन्होंने नेतृत्व किया था जबकि डांडी मार्च अब सभी जानते बारह मार्च से शुरू हुआ पांच अप्रैल को पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा क्या तोड़ा था नमक कानून तोड़ा था नमक कानून थोड़ा सा मुट्ठी में नमक लेकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था चलिए याद रखिएगा पायनूर और कालीकट साल्ट सत्याग्रह से कौन जुड़े हुए थे के केलपन साहब जुड़े हुए थे कौन जुड़े हुए थे के केलप्पन साहब जुड़े हुए थे जबकि डांडी मार्च यही से साथी सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी किसकी शुरुआत सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत सभी ने अवज्ञा आंदोलन इसी से पेशावर जो नाम की जगह है यहीं पर लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान यह इसी समय से जुड़ा आंदोलन है लाल कुर्ती आंदोलन जिसे खुदाई खिदमतगार कहते हैं क्या कहते थे खुदाई खिदमतगार संगठन के द्वारा भी खुदाई खिदमतकार खान अब्दुल गफ्फार खान वाला जो संगठन था खान अब्दुल गफ्फार खान खान अब्दुल गफार खान वाला चलिए आगे आ जाते हैं तो ये चीज याद रखिएगा के के साहब इन्हें केरल का गांधी भी कहा जाता है तो क्वेश्चन पूछेगा केरल का गांधी किसे कहा जाता है क्योंकि करंट अफेयर में से ही क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है जब प्रधानमंत्री आदि किसी व्यक्ति की सराहना करते हैं तो वहां से सीधे सीधे करंट अफेयर के क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चा मैं बहुत ज्यादा इस क्लास से मायूस हूं सच में इतनी मेहनत से इतना खींच के कंटेंट लाते हैं लेकिन तुम लोगों को वो सही नहीं लगता तुम लोग शेयर किया करो यार मतलब हमें भी हौसला मिलता है और तुम कहो कि नहीं सर हमें नहीं पढ़ा तुमसे नहीं है तुम्हें सच में मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं क्यों पागलों की तरह यार तीन बजे उठू कितने तकलीफ में होके, होके बोलूं इसलिए यार चलो आऊंगा किसी दिन कम एनर्जी सही किसी दिन ज्यादा सही इनको कुछ ऐसी चीज देके जाऊंगा जो पेपर में आएगी आएगी इनको पागल ना बना के इनको प्रॉपर जानकारी देके और बार 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 अभी तीन दिन पहले सिक्के में फिर आज कराया जब तीन चार बार कोई चीज करेंगे तभी तो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए आएगी वो सी फोर्टी सिटीज नेटवर्क ने किस राज्य के साथ मिलकर वुमेन क्लाइमेट कार्यक्रम शुरू किया है C40 Cities Network, C40 Cities Network, ये साथी क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए आप यह कह सकते हो कि यह लगभग सी चालीस सिटी करके अक्टूबर 2000 अक्टूबर 2005 में लंदन में इसकी स्थापना हुई थी कहां पर हुई थी साथी लंदन में इसकी स्थापना हुई थी और कब 2005 में 2005 में तो इन ये जो सिटी है क्लाइमेट फोर्टी सिटीज नेटवर्क इनका उद्देश्य क्या है कि किसी प्रकार जलवायु परिवर्तन को रोका जाए और जो शहर है उन्हें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाया जाए सी फोर्टी सिटीज नेटवर्क ने किस राज्य के साथ मिलकर वुमेन फॉर क्लाइमेट कार्यक्रम शुरू किया है तो याद रखिएगा बच्चा मेरे महाराष्ट्र के साथ मिलकर वुमेन फॉर क्लाइमेट कार्यक्रम शुरू किया है किसके साथ मिलकर महाराष्ट्र के साथ मिलकर, मिलकर? वुमेन फॉर क्लाइमेट कार्यक्रम इन लोगों ने शुरू किया है सी फोर्टी सिटीज नेटवर्क ने किस राज्य के साथ मिलकर तो वुमेन फॉर क्लाइमेट कार्यक्रम महाराष्ट्र के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर महाराष्ट्र के साथ मिलकर, मिलकर। लिखिए महाराष्ट्र की चीज चीज महाराष्ट्र एक हो जाते मुंबई एक हो जाते साथी राजधानी नागपुर एक क्या हो नागपुर जिले हो जाते छत्तीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब सभी जानते जीएसटी के ऊपर ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीओएम के संयोजक इन्हीं को बनाया गया है संयोजक या कन्वीनियर समझे मेरी बात जीएसटी के ऊपर एक जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक एक समिति बनी है कमेटी बनी है उसके संयोजक किसको बनाया गया है उसके संयोजक अजीत पवार को जब किसके अध्यक्ष जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज मुंबई हमें कितनी भी तकलीफ हो हम फिर भी तुम लोगों के लिए खड़े रहते अच्छा कंटेंट लेके ये तुमसे उम्मीद थी कि खींच के सपोर्ट करोगे बाबू यहां का बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है क्या होता है द्विसदनीय विधानसभा द्विसदनीय विधानसभा यहां पर द्विसदनीय विधान मतलब विधानमंडल होता है या लेजिस्लेचर होता है जिसमें विधानसभा की साथी 288 सीट होती है जिन्हें एमएलए कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद की 78 सीट होती है विधान परिषद की कितनी सीट होती है 78 सीट होती है जिन्हें हम लोग एमएलसी कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यह होता है अनुच्छेद एक से जो विधानमंडल होता है यह होता है अनुच्छेद एक से और यह जो इसका गठन होता है गठन होता है एक से जबकि संरचना जो होती है वो होती है अनुच्छेद एक इकहत्तर से इसकी संरचना 170 से तो याद रखेगा जहां पर विधायिका जो है लेजिस्लेचर वो द्विसदनीय है जिसमें 78 सीट हो, हो जाती है विधान परिषद की और दो सीट हो जाती है किसकी एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एक और वह, बहुत महत्वपूर्ण बात लोकसभा की यहां पर 48 सीट है और राज्यसभा की यहां पर 19 सीट है एक्चुअल में जो महाराष्ट्र है वो जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता है तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहां पर है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और सेकेंड नंबर पर ज्यादा लोकसभा सीट कहां पर है महाराष्ट्र में क्योंकि महाराष्ट्र की जनसंख्या सेकेंड नंबर पर है महाराष्ट्र की जनसंख्या क्या है बच्चा सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र की जनसंख्या क्या है सेकंड नंबर पे है फिर से महाराष्ट्र के राज्य के चिन्ह अभी दो तीन दिन पहले भी महाराष्ट्र आया था याद हो जाएंगे क्लास में ही पशु बताइए महाराष्ट्र का पशु महाराष्ट्र के पक्षी महाराष्ट्र का पशु महाराष्ट्र का पक्षी महाराष्ट्र का फूल महाराष्ट्र का वृक्ष बताइए ये चार चीज बताइए सबसे पहले महाराष्ट्र का फूल महाराष्ट्र के पक्षी महाराष्ट्र का वृक्ष ये सब लोग आप बताने की कोशिश कीजिए ये सब लोग आप लोग बताने की कोशिश कीजिए बिल्कुल सही साथी बिल्कुल सही बिल्कुल सही उसके बाद में नेशनल पार्क पर आ जाते नेशनल पार्क बताइए फिर यहां पर महाराष्ट्र के नृत्य बताइए महाराष्ट्र के डांसेस महाराष्ट्र के डांसेस चलिए बच्चा देखिए पशु हो जाता है जाइंट गिलहरी जाइंट का मतलब होता है विशाल गिलहरी विशाल गिलहरी पक्षी हो जाता है पीजियन पक्षी क्या हो जाता है साथी यह हो जाता है पीजियन येलो फुटेड ग्रीन पीजियन अर्थात हरा कबूतर भी कह सकते हो हरा कबूतर फूल हो जाता है जरूल का फूल जरूल जे ए आर यू एल जबकि वृक्ष हो जाता है आम या मैंगो ट्री हो जाता है वृक्ष क्या हो जाता है साथी मैंगो ट्री नेशनल पार्क की बात करें नवे नेशनल पार्क गांव चांदौली नेशनल पार्क चांदौली नेशनल पार्क तीसरा हो जाता है गुगामल नेशनल पार्क चौथा जाता है साथी संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क बोरीवली नेशनल पार्क आ जाता है ना पांचवा जाता है ताड़ोबा पांचवा क्या जाता है ताड़ोबा नवेगांव चंदोली गुगामल संजय गांधी जिसे बोरीवली नेशनल पार्क भी कहते इसी में कन्हेरी की गुफाएं भी होती हैं इसी में क्या होती है साथी कन्हेरी की गुफाएं भी होती हैं क्या होती है भैया इसी में कन्हेरी की गुफाएं भी होती हैं। किसकी गुफाएं होती हैं? आप कहोगे भैया कन्हेरी की गुफाएं यहीं पर होती हैं कन्हेरी की गुफाएं यहीं पर होती हैं। एक और रह गया और बताइए एक और रह जाता इसे और बताइए एक और रह जाता इसे और बताइए बिल्कुल सही पैंच कौन सा हो जाता है पैंच लिख लीजिए नभीग चांदोली गुगामल संजय बोरीवली ताडोबा पैंच सातवा जाता है सातवा तो होता ही नहीं है नृत्य की बात करें तो लावणी कौन सा हो जाता है साथी लावणी बहुत फेमस दूसरा जाता है कोली नृत्य क्या जाता है कोली नृत्य तीसरा जाता है साथी यहां का एक नृत्य नृत्य क्या ये एक लोक थिएटर होता है जिसे तमाशा कहते हैं ये फोक थिएटर है ये क्या है साथी फोक थिएटर है जिसे तमाशा कहते हैं तो पशु जैंट गिलहरी पक्षी येलो फुटेड ग्रीन पीजियन या कबूतर हरा कबूतर फूल जरूल का वृक्ष हो जाता है आम पेच ताड़ोबा संजय गांधी गुगामल चांदोली नवेगांव गांव ये हो जाते नेशनल पार्क नृत्य की बात करें तो लावड़ी कोली तमाशा ये क्या हो जाते हैं ये यहां के साथ ही कुछ प्रमुख डांसेस हो जाते उत्सव और लिख लीजिए फेस्टिवल्स महाराष्ट्र के उत्सव या महाराष्ट्र के फेस्टिवल लिख लीजिए महाराष्ट्र के उत्सव या महाराष्ट्र के फेस्टिवल और दूसरी तरफ लिख लीजिए महाराष्ट्र की फेमस गुफाएं महाराष्ट्र की फेमस गुफाएं एक क्लास अगर आज आप सब लोग शेयर करोगे तो मैं क्लास के अनाउंसमेंट करूंगा एक क्लास अभी क्या है आप सभी जानते जो 10 अक्टूबर है रविवार का दिन तो 10 अक्टूबर सुबह ग्यारह बजे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज ला रहा हूं एस एस सी जी डी तीस दिन की इसमें मैं क्या करा रहा हूं एस एस सी सभी के लिए होगा कि मैं दो घंटे के क्लास शुरू करूंगा एक दिन उस क्लास में करंट अफेयर होगा पुराना और बहुत ही डीपली अच्छे से एक एक चीज का रिवीजन पुराना कि कोई भी क्वेश्चन ना जाए और साथ ही एक दिन मतलब एक दिन तो ये हो गया और एक दिन एक राज्य क्या होगा एक राज्य विशेष और राज्य के बारे में मेरे पास तीस कैटेगरी है मतलब जैसे उसका राज के चिन्ह हो गए नृत्य हो गए उत्सव हो गया चित्रकला हो गई गुफा हो गई मंदिर हो गए नेशनल पार्क हो गए वहां की जीआई टैग हो गए वहां से जुड़ी कोई और करंट अफेयर की चीज हो गई मुख्यमंत्री कुल मिला के एक राज्य से जुड़ी हुई तीस से पैंतीस चीजें तो मतलब इस तरह की क्लासेस होंगी जिंदगी भर याद रखोगे कि असली कंटेंट क्या होता है और करंट अफेयर तो तुम इससे बेस्ट मतलब जो प्रॉपर पेपर वाला है वो तो तुम भूल ही जाओ कि कुछ भी पेपर में बाहर आना है वो तो तुम भूल ही जाओ कि साथी कुछ भी तुम्हारा पेपर में बाहर आना है बस इतना याद रखिएगा समझे मेरी बात इतना आप लोग याद रखिएगा यहां तक किसी को कोई दिक्कत आगे बढ़े चलिए फेस्टिवल की अगर हम लोग बात करें फेस्टिवल की अगर हम लोग बात करें तो पहला जाता है साथी गुड़ी पड़वा क्या जाता है गुड़ी पड़वा जो गुड़ी पड़वा होता है वो मराठी नववर्ष होता है गुड़ी पड़वा अर्थात मराठी नववर्ष यह महाराष्ट्रियन न्यू ईयर पालखी हो जाता है पालखी हो जाता है जीवी पूजा हो जाता है जीवी पूजा चलिए गुफाएं की बात करेंगे तो गुफाएं में आ जाती है कन्हेरी की गुफाएं यह सती मुंबई में स्थित है कन्हेरी गुफाएं यह मुंबई में स्थित है मुंबई में जो संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क है उसी में संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क में स्थित है कन्हेरी की गुफाएं सेकंड आ है अजंता एलोरा की गुफाएं अजंता एलोरा की गुफाएं अजंता और एलोरा की गुफाएं कन्हेरी की गुफाएं अजंता एलोरा की गुफाएं चौथा हो जाता है एली फेंटा की गुफाएं एली फेंटा की गुफाएं कारला गुफाएं कारला की गुफाएं ये पुणे में हो जाती है ये कहां पर हो जाती है पुणे में तगुड़ी तो पड़वा पालकी जीवित पूजा ये क्या हो जाते हैं यहां के उत्सव हो जाते हैं यह क्या हो जाते उत्सव गुफाओं की बात करेंगे कन्हेरी की गुफाएं अजंता एलोरा एलिफेंटा और कारला की गुफाएं अजंता एलोरा एलिफेंटा और कारला की गुफाएं यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आ जाता है एफ आई एच वार्षिक पुरस्कार ये जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होती है इसे तो इतने अच्छे से याद कर लीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित में से किसने एफ आई एच वार्षिक पुरस्कारों में पुरुषों का प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है पुरुषों का प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह अलेक्जेंडर हैंड्रिक्स मनप्रीत सिंह जो हॉकी कैप्टन है और अरन जालवेस्की तो याद रखेगा हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी इन्होंने साथी एफआईएच हॉकी स्टार अवार्ड में ये इनके वार्षिक अवार्ड होते हैं और इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने धुआं उठा दिया क्यों क्योंकि महिला और पुरुष दोनों प्लेयर ऑफ द ईयर जो होता है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ये दोनों भारतीयों के पास आए दोनों तो एफआईएच वार्षिक पुरस्कारों में पुरुषों का प्लेयर ऑफ द ईयर ये हरमनप्रीत सिंह ने जीता है किसने जीता है हरमनप्रीत सिंह ने जीता है अब देखिए यहां पर ये है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैंने फर्स्ट और सेकंड लिखा है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी साल में जिसका प्रदर्शन सबसे अच्छा होता है इसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया जाता है हॉकी में तो भारत के हरमनप्रीत सिंह पहले नंबर पर जबकि बेल्जियम के अलेक्जेंडर हैंड्रिक्स ये दूसरे नंबर पर फीमेल में देखेंगे गुरजीत कौर पहले नंबर पर इवा डी गोडे अर्जेंटीना की ये सेकंड नंबर पर तो याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह मेल कैटेगरी में और गुरजीत कौर ये फीमेल कैटेगरी में नंबर वन है गोलकीपर ऑफ द ईयर तो पी आर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय गोलकीपर पी आर श्रीजेश पहले नंबर पर जबकि महिलाओं में भी भारतीय गोलकीपर सविता पहले नंबर पर जबकि दूसरे पर पुरुषों में विंसेंट और फीमेल में बैलेंस उसी राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर उभरता हुआ खिलाड़ी जो होता है इसमें देखें तो विवेक प्रसाद भारत के और शर्मिला देवी भारत की चलिए भैया कोच ऑफ द ईयर जिन्होंने भारतीय टीम को कोच किया ग्राहम रीड पुरुषों में और सोजर्ड मारिजने नीदरलैंड ये साथी महिला कैटेगरी में कोच ऑफ द ईयर तो ये ज्यादातर हर एक बेस्ट जो अवार्ड है हॉकी का वो किसके पास गया है भारतीय के पास गया है अब देखिए ट्रिक कैसे हो जाएगी एक तरफ लिख लेना मेल एक तरफ फीमेल अगर बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें हर मन को जो बेस्ट कौन होता है जो हर मन को अच्छा लगे है कि नहीं और बेस्ट कौन होता है जिसमें जीतने के गुण हो उसी को तो बेस्ट खिलाड़ी कहेंगे तो याद हो गया मेल में हरमनप्रीत सिंह और फीमेल में गुण जीत क्योंकि उनमें जीतने के गुण होते हैं क्या होते हैं जीतने के गुण चलिए गोलकीपर की बात करें गोलकीपर तो गोल का मतलब क्या होता है गोलकीपर ऑफ द ईयर पी आर श्रीजेस पी आर श्रीजेस पी आर से याद रखना पीसीआर पीसीआर वेन होती है सौ नंबर की वेन जो होती है पीसीआर वेन आ जाती है तो सब लोग रुक जाते हैं और गोलकीपर का काम क्या होता है बॉल को रोकना तो पी आर पी सी आर वहां से याद रखना पीसीआर पी आर चलिए बच्चा सविता की बात करें तो सविता सविता भारत की यह है गोलकीपर ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में उभरते हुए खिलाड़ी की बात करें तो विवेक प्रसाद भारत के शर्मिला देवी जो खिलाड़ी शुरुआत में उभरता हुआ होता है वो थोड़ा सा शर्मिला होता है समझे मेरी बात वहां से याद कर लेना कोच ऑफ द ईयर ग्राहम रीड कोच ऑफ द ईयर ग्राहम रीड तो भाई हमारे हॉकी टीम की रीड की हड्डी कौन है रीड ग्राहम रीड ग्राहम रीड और सोजर्ड मारीजने इतना अच्छा प्रदर्शन करा है महिला टीम ने मैं मारी जाऊं कहते ना मारी जाऊं वर जाऊं मारी जाऊं कहते ना तो वहीं से आप लोग याद रख लीजिएगा वहीं से आप लोग याद रख लीजिएगा कि कोच ऑफ द ईयर पुरुषों में ग्राहम रीड और महिलाओं में सोजर्ड मारीजन नीदरलैंड सोजर्ड मारीजन चलिए बच्चा आगे आ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन सात जनवरी 1924 को बनी कब बनी सात जनवरी 1924 को चलिए बच्चा मुख्यालय कहां पर हो जाता है लुसान स्विट्जरलैंड मुख्यालय कहां पर होता है लुसान स्विट्जरलैंड अध्यक्ष हो जाते हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा याद रखिएगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा हो जाते हैं क्या हो जाते हैं साथी नरेंद्र ध्रुव बत्रा हो जाते हैं। अभी जो हमारी हॉकी इंडिया करके संस्था है जो हॉकी के कामकाज को देखती है वो इटाइने गिलिच अवार्ड भी मिला इसे इटाइने गिलिच अवार्ड हॉकी में योगदान के लिए इटाइने गिलिच अवार्ड यह हॉकी इंडिया को मिला है याद रखिएगा इटाइने गिलिच अवार्ड यह हॉकी इंडिया को मिला है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी और निंगोबम करके ज्ञानेन्द्रो निंगोबम जिसके अध्यक्ष हो जाते हैं तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ 1924 में स्थापना लुजान स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है और नरेंद्र ध्रुव बत्रा ये भारतीय इसके अध्यक्ष हो जाते हैं क्या हो जाते हैं साथी नरेंद्र ध्रुव बत्रा ये भारतीय है ये इसके अध्यक्ष हो जाते हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा और इटाइने गिलिच अवार्ड ये किसे मिला है ये हॉकी इंडिया को मिला है किससे मिला हॉकी इंडिया हॉकी इंडिया के मुखिया हो चाहते निंगोबम क्या हो हैं ज्ञानेन्द्रो अभी आप जानते हैं उपेंद्र सिंह इन सभी ने सन्यास ले लिया है एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारी हॉकी टीम है इन्होंने पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में बहुत सालों बाद ओलंपिक का कोई पदक कभी हमारे ओलंपिक में दबदबा हुआ करता था आगे आ जाते हैं साथी किस राज्य ने वन अपराधों की जांच के लिए सिक्रेट सर्विस फंड लॉन्च किया है क्या लॉन्च किया साथी सिक्रेट सर्विस फंड बहुत अच्छे से याद रखिएगा। वन में हुए अपराध जैसे अगर वन्य जीवों की तस्करी कोई करे कोई चुपके से पेड़ आदि काट ले या किसी प्रकार से वनों को नुकसान पहुंचाए तो वन अपराधों की जो फॉरेस्ट से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं इनकी जांच के लिए सीक्रेट सर्विस फंड लॉन्च किया है तो याद रखिएगा तेलंगाना ने यह सीक्रेट सर्विस फंड यह किसने लॉन्च किया साथी ये तेलंगाने किया है सीक्रेट सर्विस फंड जो है किसने लॉन्च किया, तो किस किया है तो आप कहोगे भैया यह किसने लॉन्च किया है यह तेलंगाना लॉन्च किया है किसने लॉन्च किया साथी यह तेलंगाना ने लॉन्च किया है किसने लॉन्च किया है तेलंगाना ने चलिए सीक्रेट सर्विस इसका उद्देश्य क्या है कि अगर कोई वन्य जीवों से जुड़े अपराधों की जांच करना चाहे गुप्त सेवा कोष तो उसे इनाम के तौर पर राशि मिलेगी जिससे कि मुखबिरी अच्छी हो और इंटेलिजेंस की सूचना अच्छे से मिल सके इसके लिए जो तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव उन्होंने साथी चार पॉइंट जीरो छह करोड़ रुपए का एक बजट पास किया है कितने रुपए आवंटित किए हैं चार पॉइंट जीरो छह करोड़ रुपए यह किसके लिए है जो भी कोई वन्य जीवों से जुड़े अपराधों की जानकारी पुलिस आदि तक पहुंचाएगा सरकारी विभागों तक पहुंचाएगा उस मुखबिर को ये गुप्त सेवा कोष से जो चार पॉइंट जीरो छह करोड़ रुपए का है इससे उन लोगों को इनाम दिया जाएगा क्या दिया जाएगा इनाम दिया जाएगा चले भैया तेलंगाना की बात करते हैं किसकी बात करते हैं तेलंगाना की बात करते हैं तेलंगाना राजधानी क्या हो जाती है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे एक बार बताइए मूसी किस नदी की सहायक नदी है तो मूसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी जो नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक है किसकी सहायक है कृष्णा नदी की जिले हो जाते है तेतीस तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो अध्यक्ष हैं के से यहां के मुख्यमंत्री राज्यपाल तमिल साई सुंदर राजन राज्यपाल साथी तमिल साई सुंदर राजन राज्यपाल क्या हो जाते तमिल साई यहां पे भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है यहां पे भी क्या है साथी बाई कैमरल लेजिसलेचर विधानसभा की एक सीट विधान परिषद की 40, लोकसभा की 17 राज्यसभा की सात सीट याद रखिएगा विधान परिषद की 40 सीट है विधानसभा की एक लोकसभा की 17 राज्यसभा की सात राज्यसभा की कितनी होनी चाहिए सात सीट होनी चाहिए तो याद रखिएगा राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे मूसी खुद किसना नदी की सहायक नदी है मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राज्यपाल तमिल साई सुंदर राजन विधानसभा की एक प्लस मतलब एक सीट विधान परिषद की चालीस लोकसभा की सत्रह और राज्यसभा की सात सीट राज्यसभा की क्या जाती है साथी सात सीट आ जाती है अब तेलंगाना के राज्य के चिन्ह लिख लीजिए तेलंगाना के क्या लिख लीजिए बच्चा राज्य के चिन्ह या स्टेट सिंबल से लिख लीजिए सबसे लिखिए पशु फिर लिखिएगा पक्षी फिर लिखिएगा वृक्ष और फिर लिखिएगा फूल ये चार चीज बताइए उसके बाद में तेलंगाना के नेशनल पार्क तेलंगाना के नेशनल पार्क तेलंगाना के साथी उत्सव या फेस्टिवल तेलंगाना के नेशनल पार्क उत्सव या फेस्टिवल बताने की कोशिश कीजिए उत्सव या फेस्टिवल सब लोग उत्तर दीजिए साथी सब लोग बच्चा उत्तर दीजिए सब लोग उत्तर दीजिए सब लोग उत्तर दीजिए बिल्कुल सही बहुत बढ़िया बहुत शाबाश। पशु हो जाता है साथी स्पॉटेड डियर स्पॉटेड डियर पक्षी हो चाहता है इंडियन रोलर पक्षी क्या हो जाता है इंडियन रोलर लिख लीजिए वृक्ष हो चाहता है सेन्ना सेन्ना और तो फूल हो जाता है सेन्ना और कुुलाटा यह फूल हो जाता है सेन्ना और यह फूल हो जाता है प्रोसोपिस प्रोसोपिस सेन्ना और कुलाटा यह क्या हो जाता है फूल प्रोसोपिस सिनेरारिया सिनेरारिया यह क्या हो जाता है बच्चा वृक्ष हो जाता है नेशनल पार्क की बात करें कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क सेकेंड हो जाता है भगवान महावीर हरिना नेशनल पार्क भगवान महावीर हरिना नेशनल पार्क तीसरा हो जाता है मृगुबानी नेशनल पार्क मृगुबानी नेशनल पार्क तो कितने नेशनल पार्क हो गए तीन नेशनल पार्क याद रखिएगा यहां पे राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए तीन नेशनल पार्क हो गए कसु ब्रह्मानंद रेड्डी भगवान महावीर हरिना मृगुवानी नेशनल पार्क भगवान महावीर हरिना, मृगुवानी नेशनल पार्क उत्सव की अगर हम लोग बात कर दें उत्सव की बात कर दें तो एक हो जाता है बाथुकम्मा एक उत्सव क्या हो जाता है साथी बाथुकम्मा एक उत्सव क्या हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण एक उत्सव जो तेलंगाना का हो जाता है वो जाता है साथी बाथुकम्मा क्या हो जाता है बाथो कम्मा इसे फूलों को उत्सव भी कहते हैं और दूसरा हो जाता है बोनालू दूसरा क्या हो जाता है साथी बोनालू ये मदर अर्थ की पूजा होती है यहां पे एक तेलंगाना से जुड़ी हुई दो तीन चीजें लिख लीजिए यहां पर एक पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है एक कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है और एक श्री सेलम श्री शैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी किस में रहती है चर्चा में रहती है श्री शैलम एक बात और याद रखिएगा तेलंगाना से जुड़ी हुई निर्मल पेंटिंग की बात आ जाए किसकी बात आ जाए निर्मल पेंटिंग ये कहां की पेंटिंग है तो याद रखिएगा साथी ये तेलंगाना से बिलोंग करती है तेलंगाना जैसे मधुबनी पेंटिंग कहां की है बिहार की पट चरित्र पति चित्र कहां की है उड़ीसा की इसी तरह निर्मल पेंटिंग कहां की है तेलंगाना की बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखेगा उत्सव हो जाते की। park, कसु ब्रह्मानंद नैस्टरल पार्क, नैस्टरल पार्क क्या हो जाते साथी? आप कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल नेशनल पार्क कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क भगवान महावीर हरिना और मृगुवानी नेशनल पार्क मृगुवानी नेशनल पार्क जितने भी राज्य आते हैं उनके नेशनल पार्क के साथ साथ हम लोग कवर करते चल रहे हैं उनके नेशनल पार्क साथ साथ कवर करते चल रहे हैं बाथुकम्मा बोनालू ये हो जाते उत्सव बाथुकम्मा बोनालू ये हो जाते हैं निर्मल पेंटिंग कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्री सेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दो यहां की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत एक बार सब लोग शेयर जरूर कर देना बच्चा आगे आ जाते हैं साहित्य का नोबल पुरस्कार 2021 साल 2021 साहित्य का नोबल पुरस्कार किसने जीता है साल 2021 का नोबल पुरस्कार किसने जीता है तो याद रखिएगा साथी अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने जीता है किसने जीता है अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने जीता है, है जबकि सुकर करो जियो के आने से कलेश खत्म हो गया यह भौतिकी का जीता है इन तीनों ने किसका जीता था भौतिकी का तो इस साल क्रम कुछ ऐसा रहा है अभी तक कि सबसे पहले किसका आया चिकित्सा का सबसे पहले किसका आया चिकित्सा का दूसरा या भौतिकी का दूसरा क्या आया साथी भौतिकी का और तीसरा जाता है आपका बैंड बज गई वो जो हमने लिखा था यह बेड़ा गर्क हो गया यह आ गया साथी रसायन विज्ञान का किसका आ गया रसायन का चौथे का जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया वो है साहित्य का किसका साहित्य का तो याद रखेगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह उन्नीस में तंजानिया में जन्म फिर 1960 में इंग्लैंड में शरण दस उपन्यास दस उपन्यास और इनका सबसे फेमस हुआ है पैराडाइज नॉवल इनका जो सबसे फेमस नॉवल है वो पेराडाइज है अब्दुल रज्जाक गुरनाहा इनका एक्चुअल नाम क्या है अब्दुल रज्जाक गुरनाहा क्या नाम है साथी अब्दुल रज्जाक गुरनाहा अब्दुल रज्जाक गुनाह साहित्य अर्थात लिटरेचर साहित्य अर्थात लिटरेचर तो देखो लिटरेचर साहित्य इसमें उपन्यास भी आता है साहित्य के अंदर उपन्यास भी आते हैं और उपन्यास अक्सर गुना के ऊपर लिखे जाते हैं गुना मतलब अगर किसी ने कोई क्राइम किया है अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसके ऊपर लिखाई जाते वहीं से याद रखेगा अब्दुल ने गुना कर दिया अब्दुल ने गुना कर दिया अब्दुल रज्जाक गुरनाहा चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी की बात करें जैसे अगर हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें मेडिसिन के क्षेत्र की बात करें चिकित्सा के क्षेत्र की तो 2021 चिकित्सा का नोबेल प्राइज यह किसे मिला डेविड जूलियस और आरडेम पाटापोटन आरडेम पाटापोटियन डेविड जूलियस टेम्परेचर और टच के रिसेप्टर के लिए तो इसको भी कह सकते डाजू डेविड जूलियस डेविड जूलियस ये भी कह सकते हो लोग डी से डॉक्टर आजकल वीडियो के माध्यम से आजकल वीडियो के माध्यम से जुलाई जुलाई में क्या आया था कोरोना तब से क्या करते हैं साथी वीडियो के माध्यम से लोगों का इलाज करते हैं डॉक्टर वीडियो के माध्यम से लोगों का इलाज करते जुलाई जुलाई में आया था कोरोना आर डेम पटा पोटियन और डॉक्टर नब्स तो देखते नहीं है डॉक्टर जब पूछते हैं तो फिर कहते हैं डेम श्योर मुझे पता था तुम्हें कोरोना है आई एम डैम श्योर मुझे पता था तुम्हें कोरोना और कहते हैं मैं डैम श्योर sure. मुझे पता था तुम्हें कोरोना है लो और लिख लो दोबारा से डी बोले तो डॉक्टर डा डॉक्टर ने जुलाई के महीने में वीडियो के माध्यम से क्या किया एक व्यक्ति का इलाज किया नब्ज तो वो देख नहीं पाया था तो उसने तुरंत बोला या और क्या बोला और बोला मैं डैम श्योर sure हूं मुझे पता था मुझे पता था कि तुम्हें कोरोना है मैं डेम श्योर हूं मुझे पता था तुम्हें कोरोना है आप कभी नहीं भूलोगे चलिए आगे आ जाते हैं फिजिक्स की बात करें भौतिकी की ये थोड़ी फाइल गड़बड़ा गई है भौतिकी की बात करें तो ये हो जाते तो क्लियर ही बताया था शुक्र एस यू के यू आर ए शुक्र मनाओ शुक्र मनाओ कि कलेसा कट गया कलेष सा कट गया कलेष सा, 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 सा कट गया क्यों जब से जियो आ गया जब से जियो पैरिस आ गया शुक्र बनाओ और इसका क्या बताया था बैंड बच गया क्या बताया था बैंड यही बताया था बेड़ा गर्क हो गया रसायन विज्ञान में बेड़ा गर्क केमिस्ट्री में बेड़ा गर्क कोई प्रयोग बिगड़ गया तुम्हारा कोई मिक्सचर बिगड़ गया तो क्या हो गए बेड़ा गर्क हो गया और तुम्हारे ऐसी लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा ऐसी लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा मेक मिलन ऐसे समझ लीजिए बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और जबकि अब्दुल रज्जा गुरनाह को कौन सा मिला है साहित्य का अब्दुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साल 2001 से 2014 के कार्यकाल के दौरान किस राज्य के मुख्यमंत्री थे याद रखिएगा 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर गुजरात के चीफ मिनिस्टर के पद की शपथ ली थी गुजरात के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली थी सात अक्टूबर 2001 और साथ ही जनता की सेवा करते करते मोदी जी को 20 साल हो गए जनता की सेवा करते करते मोदी जी को 20 वर्ष हो गए यह सात अक्टूबर के दिन ही पहली बार गुजरात के चौदहवें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी गुजरात के चौदहवें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी गुजरात की बात करें विधानसभा की एक लोकसभा की 26, राज्यसभा की 11 सीट लोकसभा की 26, राज्यसभा की तो गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली थी कब 7 अक्टूबर 2001, हजार यह तारीख याद रखिएगा और याद रखिएगा साथ ही फिर 26 मई को इन्होंने पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो 22 मई 2014 तक लगातार चार बार मुख्यमंत्री बने लगातार चार बार याद रखिएगा 2001 से 2014 तक इनका जो पहला कार्यकाल था उसके लिए सीट थी राजकोट पश्चिम से एमएलए और बाकी तीन कार्यकाल के लिए ये मणिनगर से एमएलए थे कहां से थे मणिनगर तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोदी जी मोदी जी सबसे पहले किस विधानसभा सीट से मोदी जी सबसे पहले किस विधानसभा सीट से एमएलए बने थे तो राजकोट पश्चिम या जिसे आप राजकोट वेस्ट कह सकते हो और बाकी तीन कार्यकाल के लिए मणिनगर अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और 26 मई 2014 से ये भारत के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार बखूबी संभाल रहे हैं मोदी जी चलिए आगे आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से वर्तमान में साथी याद रखेगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ये वर्तमान में लोकसभा सांसद है बनारस से अगर हम लोग टोटल दिन कौन सा व्यक्ति कितने दिन प्रधानमंत्री रहा उसकी बात करें तो याद रखिएगा अभी वाजपेयी जी बाईस दिन मोदी जी तो आगे निकल गए होंगे अभी आगे कहा निकल गए तो, करें, तभी तो ये दिन छब्बीस सौ बहत्तर अच्छे एक साल में तीन सौ पैंसठ होते हैं ठीक है तो मोदी जी मनमोहन सिंह जी इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है नेहरू जी का है सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका साथी नेहरू जी का चलिए आगे आ जाते आगे आ जाते एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा हम ऐसे प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री पहले चीफ मिनिस्टर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट यह बहुत क्वेश्चन आ जाता है बच्चा ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले सीएम रहे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी किसी राज्य के सीएम रहे हैं देखिए जैसे मुरारजी देसाई की बात करें लिख लीजिएगा मुरारजी देसाई जनता पार्टी के एमरजेंसी के बाद में ये बॉम्बे के सीएम रह चुके थे सीएम कहां के थे बॉम्बे राज्य के सीएम रह चुके थे उन्नीस से उन्नीस जबकि प्रधानमंत्री उन्नीस से उन्नीस चौधरी चरण सिंह जी की बात करें चौधरी चरण सिंह जी ये वो प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल में लोकसभा नहीं गए ये जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो उन्नीस से उन्नीस और फिर उन्नीस दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बाद में उन्नीस से उन्नीस कुछ समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री वीपी सिंह की बात करें विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करें विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करें तो ये भी साथी यूपी के सीएम रह चुके हैं उन्नीस से उन्नीस और फिर उन्नीस से उन्नीस नरसिम्हा राव से पहले प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव की बात करें पीवी नरसिम्हा राव जिनके समय पर हमने साथी भारत में नई आर्थिक नीति देखी ये आंध्र प्रदेश के रह चुके कहां के आंध्र प्रदेश के और उन्नीस सौ इक्यानवे से उन्नीस सौ छियानवे तक भी रहे एच डी देवगोड़ा की बात करें पांचवें नंबर पर आ जाते एच डी देवगोड़ा तो एच डी देवगोड़ा ये साथी कर्नाटक के रह चुके हैं कहां के रह चुके कर्नाटक के तो कितने लोग पांच ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले चीफ मिनिस्टर रह है चुके हैं प्रधानमंत्री बनने तो मोदी जी छठे क्या लिख लीजिएगा मोदी जी।, जी गुजरात के सीएम चार बार उसके बाद में पीएम तो छह ऐसे व्यक्ति हैं और छह ही साथी ऐसे उपराष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने छह उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं यह क्वेश्चन ने जाने कितने एग्जाम में और यह कहीं पर लुसेंट पुसेंट में नहीं मिलने का जिसे लेकर आप लाइब्रेरीज में बैठे रहते हैं जिसे लेकर आप लाइब्रेरीज में बैठे रहते हैं अब यह समझ में आ गया पहले मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह वीपी सिंह एच डी देवगौड़ा नरसिम्हा राव इसमें चंद्रशेखर का नाम दे सकता है इसमें इंदिरा गांधी का लाल बहादुर शास्त्री का जवाहरलाल नेहरू या इसमें साथी आई के गुजराल अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह तो ये लोग नहीं बने सिर्फ ये छह लोग छठे मोदी जी जो गुजरात के सीएम और अब क्या है साथी पीएम है यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत अरे बेटा वो सीमा परेशान मत होइए जिसका कोर्स हट गया ना उससे उसको ठीक कराया जा रहा है वो कोई ना कोई बग आ जाता है कभी कभी ऐसे थोड़े ना होता है बच्चा सभी लोग एक बार शेयर कर देना नहीं तो मैं नहीं लेने का फिर इसे तुम नहीं पढ़ना चाहते मुझसे तो मैं फिर इसका क्या फायदा तुम्हारा समय बर्बाद करने का बच्चा फिर तो तुम अपना जहां से पढ़ी रहे हो कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हें तो अच्छा ही नहीं लग रहा कंटेंट तो मैं क्या करूंगा इसमें ये चीज क्लियर होगी भूलोगे तो नहीं इसमें सबसे ज्यादा यूपी सही है दो बार चौधरी चरण सिंह वीपी सिंह यूपी के सीएम थे बाद में पीएम बने एक कर्नाटक एक आंध्रा एक बॉम्बे गुजरात चलिए बच्चा आगे आ जाते हैं इसमें ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गई बच्चा सेटिंग सही नहीं हो रही है निम्नलिखित में से कौन पहले क्वेश्चन लिख लीजिए इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी का ऑनर अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला एशियाई व्यक्ति इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी का ऑनर अवार्ड प्राप्त करने वाला एशियाई व्यक्ति मैं उनमें से हूं कि मैं सौ बच्चों का एडमिशन ले लू ना बच्चा कहीं पढ़ाने के लिए सौ के सौ को अच्छे नंबरों से पास करा दू मैंने खुद पढ़ते हुए बच्चे अपने साथ के दो बच्चों को एसआई में लगवाया था पर क्या है ना कि यहां पे कितनी बार कैसे कंटेंट साबित क्योंकि मैं जानता हूं तुम लोग सोचते तो हो कि हमें सबको करना है लेकिन तुम ये नहीं जानते कि बच्चा ये नहीं है मतलब तुम उस तरह का कंटेंट लेकर नहीं जाओगे बाबू कोई फायदा नहीं होने का इसलिए मैं थोड़ा सा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता हूं कि तुम्हें यहां मिल रहा है इसको अच्छे से ग्रैब करो इसको पढ़ो अच्छे से पर चलो क्या बोलू यार इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी देखिए आर एस सोढ़ी की बात करें तो इनको उत्पादकता का अवार्ड मिला था उत्पादकता प्रोडक्टिविटी के लिए इनको प्रोडक्टिविटी के लिए तो मिला था अमूल के सीएमडी है अमूल के सीएमडी के तौर पर ठीक है भैया लेकिन इंटरनेशनल स्पोर्ट साइकोलॉजी का नहीं मिला दूसरा देखें जितेंद्र मोहन शकुंतला हरक सिंह तो इनको वर्ल्ड फूड प्राइस मिला है शकुंतला हरक सिंह को क्या मिला था वर्ल्ड फूड प्राइस मिला था वर्ल्ड फूड प्राइस वर्ल्ड फूड प्राइस मिला है तो जितेंद्र मोहन याद रखना क्या रखना जितेंद्र मोहन जितेंद्र मोहन साइकोलॉजी सबसे पहले तुम्हें अपने मन से जीतना पड़ेगा साइकोलॉजी तुम्हें अपने मनोविज्ञान से जीतना पड़ेगा कि तुम लोग कहते ना मन के हारे हार है मन के जीते जीत ये पंजाब विश्वविद्यालय के हैं इनको पंद्रहवीं वर्ल्ड कांग्रेस स्पोर्ट साइकोलॉजी के ऊपर ये चीनी ताइपे जो ये ताइवान की राजधानी है यहां पर आयोजित हुई तो वहीं पर जितेंद्र मोहन जी को दिया गया है यहीं पर यह अवार्ड जितेंद्र मोहन जी को दिया गया है समझे मेरी बात इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी मनोविज्ञान जितेंद्र मोहन जितेंद्र मोहन जितेंद्र मोहन ये मैनेजिंग काउंसिल के वो भी रहे हैं इसके उन्नीस से तिरानवे तिरानवे से सत्तानवे दो बार इन्होंने सेवा दी है फिश वाले इंडिया की पहली ई फिश मार्केट कि जहां पर आप मछली खरीद फरोख्त कर सकते हो ई फिश वाले किस राज्य ने भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप लॉन्च किया है क्या लॉन्च किया साथी फिश वाले ऐप लॉन्च किया है यहां से आप मछलियों की खरीद फरोख्त कर सकते हैं क्या कर सकते हैं मछलियों की खरीद फरोख्त किस राज्य ने भारत का पहला ई मछली बाजार तो याद रखिएगा असम सरकार ने किसरे साथी असम सरकार ने यह ई मछली बाजार लॉन्च किया है फिश वाले इसका नाम क्या है फिश वाले इंडिया फिश वाले यह गूगल एप के थ्रू आप लोग इस यहां से मछली खरीद सकते हैं याद रखिएगा जो हमारे भारत की मुख्यमंत्री भारत की वित्त मंत्री है जिनका नाम है निर्मला सीतारमण जी इन्होंने असम का एक जगह है हसदेव दीमा हसाओ यहां पर 120 तो मेगावाट की लोअर कोपीली जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि पूजन किया है जल विद्युत परियोजना याद रखिएगा लोअर कोपीली लोअर कोपीली जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है लोअर कोपीली यह कहां पर है असम में है 120 मेगावाट की है और असम के साथ ही असम के दीमा हसाओ जिले में है कहां पर है दीमा हसाओ जिले में है तो याद रखिएगा ये भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसका भूमि पूजन किया है क्या किया भूमि पूजन किया है दो हजार दो सौ करोड़ रुपए जिसमें सतहत्तर परसेंट यह केंद्र सरकार का है और तेईस परसेंट लागत यह राज्य सरकार की है सतहत्तर परसेंट केंद्र सरकार का जबकि तेईस परसेंट लागत किसकी है राज्य सरकार की है दो हजार दो सौ करोड़ अब बात करते असम की असम की राजधानी कल भी कल परसों भी असम के बारे में आया था राजधानी हो जाते दिसपुर जिले हो जाते चौतीस सबसे बड़ा शहर हो जाता है गुवाहाटी गुवाहाटी में अंबुबाची मेला लगता है गुवाहाटी में क्या लगता है साथी अंबुबाची मेला लगता है मां कामख्या देवी के मंदिर पर कहां पर बच्चा मां कामख्या देवी के मंदिर पर अंबुबाची मेला सबसे बड़ा शहर भी है राज्यपाल जगदीश मुखी मुख्यमंत्री हेमंत भी क्या हो गया भाई को हेमंत विश्व शर्मा विधानसभा की 126 सीट राज्यसभा की सात लोकसभा की चौदह सीट विधानमंडल की एक राज्यसभा की सात लोकसभा की चौदह सीट मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा अब सभी जानते असम में अगर हम लोग बात करें नृत्य की बात करें तो क्या हो जाता है साथी बिहू नृत्य हो जाता है ओजापल्ली ये कुछ डांस हो जाते हैं ओझापल्ली देवधानी देवधानी नृत्य झुमुर नृत्य झोमुर नृत्य हो जाता है ओझापल्ली सत्तरिया डांस हो जाता है ये क्या हो जाते हैं यहां के सत्तरिया नृत्य आदि हो जाते हैं सत्तरिया नृत्य ये कुछ यहां के क्या हो जाते हैं डांस हो जाते हैं नृत्य हो जाते हैं आप ये भी जानते हैं साथी कि यहां के साथ ने सरल पार्क है कल ही हमने इसके बारे में एक चीज पढ़ी थी असम के बारे में कल ही हमने एक एक चीज पढ़ी है बच्चा साथ रायमोना नेशनल पार्क देहांग पटकाई नेशनल पार्क नामेरी नेशनल पार्क ओराव नेशनल पार्क डिब्रू साइकोबा नेशनल पार्क डिब्रू साइकोबा नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क साथ ही काजीरंगा नेशनल पार्क देखिए कंचनजंगा सिक्किम में जबकि काजीरंगा असम में है काजीरंगा कहां पर है असम में नृत्य उजाते बिहू ओजापल्ली देवधानी झुमुर सत्तरिया झुमुर सत्तरिया चौदह लोकसभा सात राज्यसभा एक सौ छब्बीस विधानसभा महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर यह किस शहर में महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर ये किस शहर में इसका ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है किस शहर में ये आप सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है तो इसको याद रखिएगा गुवाहाटी में महाबाहु ये ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हुई है तो ना तो नगर ना गंगटोक ना शिलोंग ये तीनों इनका ब्रह्मपुत्र से क्या लेना देना गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ है तो यहीं पे साथी महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र इसका इन्होंने उद्घाटन किया और इसका उद्घाटन एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति जी ने किया है इसका उद्घाटन किसने किया है देखिए अगर लोअर कोपीली लोअर कोपीली जल जल विद्युत परियोजना की बात आएगी तो इसका उद्घाटन किसने किया वित्त मंत्री ने जल विद्युत प्रोजेक्ट या परियोजना है उद्घाटन किसने किया फाइनेंस मिनिस्टर ने और महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर विरासत केंद्र की बात आए तो इसका उद्घाटन एम वेंकैया नायडू जी ने किया है किसने किया है एम नायडू जी ने साथी ब्रह्मपुत्र नदी के कई सारे नाम बताइए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है बांग्लादेश में क्या कहा जाता है तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना और तिब्बत में इसका नाम हो जाता है सांगपो क्या नाम होता है सांगपो तिब्बत में क्या नाम हो जाता है सांगपो और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है हो जमना हो जाता है क्या हो जाता है साथी जमना हो जाता है मानस सुमनसिरी धनसिरी ये सारी की सारी क्या हो जाती है इसके सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र के ऊपर किसी दिन और आएगा दोबारा तो अच्छा सा लेक्चर लेंगे आगे आ जाते हैं साथी असम में अभी जुड़ीमा राइस वाइन जो है उसको जीआई टैग मिला है आगे आ जाता है डब्ल्यू एच ओ ने वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन जो बच्चों पर मलेरिया की दुनिया की पहली वैक्सीन जिसका बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है बच्चों पर इस्तेमाल की व्यापक सिफारिश आप ये कह सकते हैं कि कुछ समय पहले डब्ल्यू एच ओ ने मलेरिया की एक वैक्सीन विकसित की थी मलेरिया मच्छर से होने वाली बीमारी मतलब मच्छर इसको फैलाता है एक प्रोटोजोआ होता है मलेरिया का जो एक हानिकारक जीव होता है जिससे होता है इसका नाम होता ही है मतलब किस कैटेगरी का होता है प्रोटोजोआ जैसे वायरस बैक्टीरिया फंगस एलगी होते हैं, ये प्रोटोजोआ कैटेगरी का होता है क्या होता है साथी? प्लाज्मोडो प्लाज्मोडियम इसका नाम होता है क्या होता है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम इसका नाम होता है और यह किस कैटेगरी का होता है यह प्रोटोजोआ कैटेगरी का होता है प्लाज्मोडियम आरबीसी पर हमला करता उसको नुकसान पहुंचाता है तो मलेरिया से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है हर साल मलेरिया से बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है तो इसी मृत्यु को रोकने के लिए इन्होंने साथी वैक्सीन की सिफारिश की है किसकी सिफारिश की है वैक्सीन की वैक्सीन का नाम क्या है साथी आर टी एस एस बटे ए एस जीरो वन नाम लिख लीजिएगा आर टी एस एस बेटा आवाज कौन कर रहा है ए एस जीरो वन ये मलेरिया वैक्सीन है जो सब सहारन अर्थात सहारा रेगिस्तान के आसपास जो अफ्रीका के देश हैं उनमें इसका ब्रांड नेम क्या है मोस्क्यूरिक्स इसका ब्रांड नेम क्या है मोस्क्यूरिक्स कोड नेम क्या है आर टी एस कॉमा एस ए एस जीरो वन ब्रांड नेम है मोस्क्यूरिक्स हर साल याद रखिएगा लगभग चार लाख लोग जो है एक साल में ये मलेरिया मलेरिया से मरते हैं कितने लाख लोग चार लाख लोग ये साथी मलेरिया से मरते हैं चार लाख लोग चलिए आगे आ जाते हैं मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से और मादा एनाफिल जो होती है मच्छर ये साथी इसे फैलाती है कभी सोचा मादा ही क्यों फैलाती है तो इसलिए क्योंकि मादा बच्चे देती है तो इसको अपने बच्चों के लिए खाना पीना चाहिए चार प्रकार के मलेरिया होते हैं मलेरिया प्लाज्मोडियम फालसी सबसे ज्यादा यही फैलता है सोडियम प्लाजमोडियम प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया तो इसमें सबसे ज्यादा प्लाज्मोडियम फैंसी पैरम की भूमिका होती है ये ब्रांड है रोगवाहक एनाफिलीज मच्छर इस समय ओडोमास वगैरह का इस्तेमाल किया कीजिए रात में मच्छरदानी के बिना मत सोइए 2030 तक भारत ने मलेरिया मुक्त का रक्षा रखा है इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि भारत कब तक मलेरिया फ्री होना चाहता है तो भारत 2030 तक मलेरिया फ्री जब तक टीबी मुक्त कब तक होना चाहता है भारत टीवी मुक्त 2025 तक भारत 2025 तक टीबी मुक्त होना चाहता है और 2030 तक मलेरिया मुक्त डब्ल्यू एच ओ की बात करें तो 7 अप्रैल उन्नीस सौ अड़तालीस की जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और टेड्रोस अधानोम इसके प्रमुख है साथी अधानों क्या हो जाते हैं इसके प्रमुख हो जाते वर्ल्ड हेल्थ डे सात अप्रैल को ही मनाया जाता है। आगे विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है अभी तक सिर्फ एक पुरुष है सुशील कुमार जिन्होंने साथी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप देखिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और दो जीते हैं इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड और अभी तक कोई महिला तो फाइनल में ही नहीं पहुंची थी कोई महिला फाइनल में शायद वो सिल्वर मेडल भी लेकर आए लेकिन पहली अंशु मलिक पहली महिला है जिन्होंने साथी इस फाइनल में जगह बनाई लेकिन फाइनल में यह हार गई हैं इन्हें रजत पदक मिला है लेकिन फिर भी पहली महिला जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है कुश्ती विश्व चैंपियनशिप अंशु मलिक कुश्ती विश्व चैंपियनशिप अंशु मलिक ये पहली इंडियन वुमेन रेसलर है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची लेकिन ये हार गई है दो एक से या और जो इनका प्रतिद्वंदी है वो जीत गई है अभी तक चार भारतीय महिला पहलवानों ने पदक जीते लेकिन चारों ने ही कांस्य पदक जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं उन्नीस वर्षीय है हरियाणा की है उनसठ वर्गीय उनसठ किलो कैटेगरी में खेलती है किसमें खेलती है साथी उनसठ किलो कैटेगरी में खेलती है जो सिक्सटी सो फिफ्टी नाइन किलो कैटेगरी होती है तो उनसठ किलो कैटेगरी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता क्या जीता है साथी सिल्वर मेडल इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है सिल्वर मेडल बिल्कुल सही सत्तावन किलो वर्ग में सिल्वर मेडल रजत पदक विजेता ये स्थान कहां पर है नॉर्वे प्रतियोगिता कहां पर हो रही है साथी नार्वे नॉर्वे में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है सिल्वर पदक विजेता सिल्वर पदक विजेता फाइनल में पहुंच के हार गई हैं और सत्तावन के जी भार वर्ग है इनका भार वर्ग कितना है सत्तावन के जी इसको जरूर याद रखिएगा चार पहलवानों ने ही भारत की अभी तक कांस्य पदक जीता है गीता फोगाट बबीता फोगाट दोनों बहन 2012 में पूजा ढांडा और विनेश फोगाट पूजा ढांडा और बिल्कुल से साथी बिल्कुल से भैया चलिए और भी कई भारतीय पहलवानों ने जीता इसमें जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगी कुश्ती प्रतियोगिता तब इसको दोबारा करेंगे सरिता मोर याद रखिएगा अंशु मलिक ने सिल्वर लेकर आई है और सरिता मोर इसमें ब्रॉन्ज अंशु मलिक रजत पदक रजत पदक किसके पास आया है सिल्वर मेडल अंशु मलिक के पास अंशु मलिक हरियाणा की है और याद रखिएगा साथी सरिता मोर इन्होंने कांस्य पदक जीता है सरिता मोर ने कांस्य पदक जीता है सरिता मोर चलिए भैया आगे आ जाते आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा उनतीस विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने साथी एक सीजन में सबसे अधिक विकेट लिए हैं इन्होंने एक सीजन में 29 विकेट लेने का कारनामा किया है आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये कौन बने ये हर्षल पटेल बने कौन बने बच्चा हर्षल पटेल एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले उन्तीस विकेट लेने वाले कौन बने भैया हर्षल पटेल बने याद रखिएगा आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल बने रॉयल चैलेंजर्स की तरफ से खेले थे बेंगलोर में बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स की तरफ से हर्षल पटेल खेलते हैं जो सबसे ज्यादा विकेट लेता उसे पर्पल कैप दी जाती है जिसके सबसे ज्यादा रन होते हैं उसे ऑरेंज कैप दी जाती है पिछले सीजन में जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस के लिए 27 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया था इस बार ये 29 विकेट लिए इन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से आगे आ जाते हैं सरकार द्वारा पांच वर्षों में कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क मित्र नाम की एक योजना लॉन्च की है ये कपड़ा मंत्रालय ने जिसका उद्देश्य क्या है एक ही जगह पर कपड़ा उद्योग से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने की योजनाएं जहां पर धागे बनाने वाली फैक्ट्री धागे सूत से धागे बनाने वाली मतलब तो फाइबर फाइबर से कपड़े बनाने वाली हर एक प्रकार की वहीं पर इसे मेगा टेक्सटाइल पार्क नाम दिया गया क्या नाम दिया गया मेगा टेक्सटाइल पार्क तो अगले पांच वर्षो में सात मेगा टेक्सटाइल पार्क सात मेगा टेक्सटाइल पार्क खोलने की योजना है तो सरकार द्वारा पांच वर्षों में कितने पीएम मित्र तो पूछा जाएगा मित्र स्कीम किससे है तो भक्तों से मत कह देना मित्रों अब तुम्हारे लिए रुपए से बढ़ गए पांच रुपए किया जा रहा नहीं यह बेटा मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना है है टेक्सटाइल का मतलब होता कपड़े से जुड़ी हुई योजना इसकी फुल फॉर्म क्या है मित्र की मेगा इंटीग्रेटेड मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल पार्क मेगा इंटीग्रेटेड मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल पार्क मित्र पीएम मित्र मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल पार्क पीएम मित्र ये प्रधानमंत्री जी के फाइव एफ का जो फॉर्मूला है उस पर फार्म से फाइबर मतलब खेत से जो कपास आदि होती है उससे धागा बनेगा धागा फैक्ट्री में जाएगा फैक्ट्री से फैशनेबल कपड़े बनेंगे फैशन होगा फैशन में क्या है कपड़े को यहां से फाड़ दो यहां से फाड़ दो यहां से फाड़ दो यहां से फाड़ दो मैं तो सोचता हूं आदमी मतलब तो कपड़े को कहां कहां से नहीं फाड़ता तब जाके वो फैशन बनता ऐप का मतलब कपड़े को फाड़ना ऐप का मतलब फैशन फिर वो विदेश में जाएगा फिर क्या जाएगा वो विदेश में फिर किस में जाएगा विदेश में तो याद रखिएगा अगले पांच साल के लिए चार करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए गए चौवालीस करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल पार्क टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल पार्क मोदी जी का फाइव एफ विजन क्या विजन है जय हो मोदी जी फार्म से फाइबर फाइबर से फैक्ट्री फैक्ट्री से फैशन और फैशन कपड़े फाड़ के भेज दो विदेश वहां सब पहन लिए जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती चलिए आगे आ जाते हैं औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली औद्योगिक पार्क डीपीआईटी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो भारत में उद्योग और आंतरिक व्यापार का संवर्धन करने वाला वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग होता है जिसको डीपीआईआईटी बोलते हैं इसरे साथी ही इकतालीस इंडस्ट्रियल पार्क इंडस्ट्रियल पार्क ऐसी जगह होती है जहां पर कई सारी फैक्ट्रीज होती है तो उनकी रेटिंग प्रणाली लॉन्च की है IPRS रिपोर्ट 2.0 इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम इसमें क्या है साथी 41 इंडस्ट्रियल पार्क को लीडर की कैटेगरी में रखा गया है लीडर मतलब वहां पर एकदम बढ़िया से हो सकता है बढ़िया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जबकि 90 इंडस्ट्रियल पार्क जो है इनको साथी अंडर चैलेंजर कैटेगरी में अंडर चैलेंजर और जब से 185 जो है इन्हें एस्पायरर Aspirans का मतलब होता है जैसे एस्पिरेंट महत्वाकांक्षी वैसे याद रखेगा वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है पीयूष गोयल है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किसके हाथ में पीयूष गोयल के हाथ में मुझे ये और बताइए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री किसके हाथ में है टेक्सटाइल भारत का कपड़ा मंत्री कौन है भारत का कपड़ा मंत्री कौन है तुरंत देखते बता दो नाम लिखा हुआ उनका भारत का कपड़ा मंत्री कौन है भारत का कपड़ा मंत्री कौन है तीन चार मंत्रालय इनके पास इनके पास तीन चार मंत्रालय हैं। बिल्कुल सही इनके पास ये कपड़ा मंत्रालय जिसको टेक्सटाइल टेक्सटाइल मंत्रालय भी इन्हीं के पास है इन्हीं के पास ग्राहक मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन्हीं के पास साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तीन मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी इन्हीं के पास है आगे आ जाते हैं दो के लिए ईएसडीए एस एनवायरमेंट एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है साथ ही इतने सारे क्वेश्चन कोई नहीं कराता बाबू तुम्हारे लिए सारा किसके लिए कराता हूं पागलो तुम्हारे लिए तो कराता हूं कोई कराता है कितने सारे लेकिन तुम लोग कभी इस बात का वो नहीं करोगे एक दिन खोदोगे तुम इस चीज को और तब जिंदगी भर मिस करोगे पेपर देके आके ई एच डी एनवाटल एक्सीलेंस अवार्ड चाहे कहीं पर साइकोलॉजी का मिले कहीं पर एनवायरमेंट का मिले सब कुछ इंस्टीट्यूट है दिल्ली का एनवायरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन यह देती है प्रोफेसर शिशिरी कांत बेहरा उड़ीसा के उन्हें मिला है ईएसडीए पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार प्रोफेसर शिशिरा कांत बेहरा को जाना मत अभी फास्ट रिवीजन है प्रोफेसर शिशिरा कांत बेहरा को प्रोफेसर शिशिरा कांत बेहरा को मिला है मिला है प्रोफेसर शिशिरा कांत बेहरा को मिला है अभी वहां पर ना एक अमेरिका में एक पार्टी होती है उसको गाला पार्टी बोले गाली पार्टी बोले पार्टी बोले उसमें अलग अलग प्रकार के हीरो हीरोइन कपड़ा पहन के आए हैं अभी एक हीरोइन आई उसने अपने आप को पूरा काले कंबल में लपेट रखा और जो ऐसा करके आता है ना उसे बहुत ही फैशनेबल माना जाता है एक ने ढाई किलोमीटर का गाउन पहन रखा अगर उसके गाउन से अगर मैं कहूं दिल्ली की सड़कें साफ हो जाएं अगर वो चल देना दिल्ली की सड़कों पे तो उसका जो वो पीछे जो गाउन सा था गाउन बोले कर क्या है गाऊन ने जन कम्बल सा था वो तो और वो कंबल इतना भारी वो चलता आ रहा है आठ आदमियों ने उसका वो कंबल पकड़ रखा है ये कौन सा फेमस फैशन है एक आदमी जा रहा है आठ आदमियों ने उसके लते संभाल रखे और पूरा मैं कह रहा था मन में केजरीवाल को बुला लेना चाहिए इतना जो खर्चा खत्म हो जाएगा आठ आदमी लगे वहां रोड पर पकड़े ओ ऐसी सी मार के पूरी रोड साफ हो जाए कौन ट्रक इतना बढ़िया साफ करेगा जितना एक गाउन साफ करेगा कितना तगड़ा फैशन मैं गाला गाला के मेरे फोटो देखे मैं बोला देखो ये फैशन कैसा होता है और अगर हमारे गांव में कोई उसे पहर के आ गया ना भाई साहब कुत्ते लिपट जाओ मैं कह रहा हूं तुम उसे पह के गांव में एंट्री तो कर लो हमारे में कुत्ते लिपट जाएंगे ऐसा फैशन गाला पार्टी में बोला अच्छा ये कैसी पार्टी है अलग अजीब अजीब प्रकार के तुम देखना फोटो गूगल पर पड़े होंगे हंसी आएगी तुम्हें बहुत ज्यादा तो ई एस एनवायरमेंट पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार शिशिरा कांत मेहरा जबकि जितिन मोहन को साइकोलॉजी वाला आगे आ जाते विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर कॉटन फॉर गुड विश्व कॉटन कॉटन फॉर गुड कॉटन फॉर गुड चलिए कॉटन फोर ये कॉटन फोर कंट्रीज होती है इसको स्टार लगा के लिख लीजिए बेनिन बुर्किनो फासी चार्ड एंड माली ये अफ्रीका के चार देश हैं जिनको कॉटन फोर बोला जाता है ये क्वेश्चन आ सकता है साथ इकोनॉमिक्स में कॉटन फोर किसे बोला जाता है कॉटन फोर बोला जाता है बेनिन बुर्किनो फासो चार्ड और माली तो इन्होंने ही तय किया था सात अक्टूबर को विश्व कपास दिवस थीम है कॉटन फोर गुड कॉटन फोर गुड कॉटन फॉर गुड चलिए कॉटन फॉर गुड बीबी बीबीसीएम घर की बीबीसीएम ऐसे याद करना बैनिन वाली घर की बीबी घर सी तो की, की सीएम कौन बीबी घर की सीएम कौन बीबी ऐसे याद कर लेना कॉटन फोर चलिए विश्व व्यापार संगठन तो आप जानते हैं जनवरी उन्नीस सौ पिचानवे जिनेवा नगोजी नाइजीरिया में पैदा उसके बाद में अमेरिकी एक जनवरी उन्नीस सौ पिचानवे विश्व व्यापार संगठन हेडक्वार्टर जिनेवा जिनेवा में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू आई पी ओ और कई सारों के लिए आगे आ जाते हैं जंबो एक आई सी ए आर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसका स्थापना आईसीआर की स्थापना उन्नीस में हुई थी मृत्युंज एक मोहापात्रा करके क्या है इसके अध्यक्ष है मतलब इसके डायरेक्टर जनरल है तो आईसीआर ने जो ये नट्स होते हैं नट्स समझते हो ना काजू काजू की एक नस्ल विकसित की है जिसे नेथरा जम्बो एक कहा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा नेथरा जम्बो एक ये किसकी नस्ल है नेथरा जम्बो एक ये किसकी नस्ल है तो याद रखिएगा साथी ये दक्षिण कन्नड़ जिला है कर्नाटका का कर वहां के पुत्तूर में किसानों की आय बढ़ाने के लिए जंबो एक ये हाइब्रिड काजू की नस्ल है जंबो एक ये काजू की हाइब्रिड नस्ल है काजू की हाइब्रिड नस्ल है यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत अब सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं फिर आज का भी लास्ट के पांच मिनट में करेंगे शहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता लेकिन अब वहां पर परिस्थिति बदल चुकी है वहां पर तालिबान आ चुका है तालिबान आ चुका है वहां पर मेरी समझ में नहीं आती निर्दोष लोगों को मारते हैं और खुद को ये स्वतंत्रता सेनानी और ये कहते हैं अभी कश्मीर में आप देख रहे हो कि पिछले एक हफ्ते में सात आठ सिविलियंस की डेथ हुई है मतलब शर्म की बात सबसे ज्यादा ये आती है गुस्सा इस बात का आता है कि वहां किसी की मृत्यु होती है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सिविलियंस की कल एक प्रिंसिपल एक टीचर को बोली टीचर्स का क्या दोष है बाप और तुमने तुमने माँ का दूध पिया आर्मी के सामने आओ ना ना सालो इतने पीतल से लाद दे कि साले चुनते चुनते डॉक्टर भी करोड़पति हो जाए उसके सामने नहीं आओगे कुत्ते की दुम गरीब ऐसा आदमी को मारोगे क्या किया देखो आतंकवादी देखना एक वीडियो आतंकवादी ने शेयर की तुम बताना तुम थोड़ा ऑनलाइन है ज्यादा नहीं बोल सकता नहीं तो वो जो कुत्ते का बच्चा है उसने एक रेहड़ी वाले को गोली मारी पीछे से गरीब रेहड़ी वाला जो एक गोलगप्पे की दुकान लगाता है उसे गोली पीछे से आके उसे गोली मार के उसकी वीडियो अपलोड करके वो खुद को आतंकवादी बना रहा है बता रहा है ऐसे को क्या कहोगे भारत ने शहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के तो अफगानिस्तान में बनना था ये कहां पर बनना था अफगानिस्तान में तो निर्माण के लिए समझौता तो किया था अब तो आप जानते ही हो। होप मिशन किस अरब देश का मंगल पर पहला मिशन था तो संयुक्त अरब अमीरात का जापान के सहयोग से लॉन्च किया कि हां वो बिहार के थे जिनकी मृत्यु हुई है वो बिहार के थे श्रीनगर में अपने एक रेहड़ी लगाते थे इसकी गोलगप्पे की रेहड़ी तो अफगानिस्तान का शैतूत बांध होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात में अख्तर अली का इक्यासी वर्ष की आयु में निधन यह किस खेल से संबंधित थे? और काला घोड़ा यह किस राज्य में मनाया जाता है किस शहर में मनाया जाता है काला घोड़ा किस राज्य में मनाया जाता है और किस शहर में मनाया जाता है बताइए साथी बिल्कुल सही अख्तर अली का इक्यासी वर्ष की आयु में यह टेनिस से संबंध रखते किससे संबंध रखते टेनिस से और काला घोड़ा ये मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है मुंबई महाराष्ट्र में कई बार यह पूछा गया है कला घोड़ा कला महोत्सव यह मुंबई में मनाया जाता है बंकापुरा में पहला ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य बेटिया जो पहला है ना इसको याद करते रहना कोपल जिले के बंकापुर में अपने राज्य का पहला ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य ग्रे कलर का अब वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य यह कौन सा और दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म जिन दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म जिसको सोनिया कहते हैं इसका फोसिल कहां से मिला है इसका फोसिल कहां से मिला है बिल्कुल सही तो याद रखिएगा कर्नाट ग्रे वुल्फ सेंचुरी कर्नाट ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य और भीम की जहां पर गुफाएं जहां पर बहुत पुरानी चित्रकारी पाई जाती है तो वहीं पर ये दुनिया के मतलब भारत के सबसे पुराने जानवर का जीवाश मिला है भारत के सबसे पुराने आगे आ गया जाता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपल्स चॉइस अवार्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपल्स चॉइस अवार्ड और पेंगोंग झील ये कहां स्थित है पेंगोंग झील ये कहां स्थित है इन्होंने जलते हुए जंगलों की फोटो ली थी ऑस्ट्रेलिया में रॉबर्ट इरविन नाम है इनका साथी ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट इरविन इन्होंने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर और पेंगोंग झील लद्दाख पेंगोंग झील कहां पर है साथी लद्दाख में है पेंगोंग झील यह भारत और चीन में आती है कुछ भारत में हिस्सा है कुछ चीन में हिस्सा है चलिए चीन में लूनर वर्ष मतलब चीन में अपने नया वर्ष मनाया जा रहा है चीन का जो नव वर्ष होता है वो चांद के मूवमेंट पर आधारित होता है इस बार ये किस खास जानवर पर आधारित है चीन का हर एक साल किसी न किसी जानवर पर आधारित होता है इस बार कौन से जानवर को इन्होंने समर्पित किया ये वर्ष और अपने कौन सा राज्य अपना सेकंड हॉर्नबिल फेस्टिवल इन्होंने 2020 से शुरू किया है इन्होंने 2020 से शुरू किया है 2021 में इन्होंने फरवरी में सेकंड हॉर्नबिल तो याद रखिएगा लूनर नवर्स ये ऑक्स ईयर ऑफ ऑक्स बैल पर आधारित है किस पर आधारित है बैल पर और त्रिपुरा देखिए जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो दिसंबर में नागालैंड में मनाया जाता है कहां पर मनाया जाता है दिसंबर में नागालैंड में लेकिन पिछले साल से त्रिपुरा ने भी शुरू किया था पिछले साल से त्रिपुरा ने भी तो दो में इनका दूसरा आ गया आगे आ गया जाते लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे सबसे ऊपर है भारत की रैंक क्या है भारत की रैंक क्या है और साथी किस राज्य सरकार ने संपत्ति के अधिकारों के लिए लाल लकीर की मंजूरी प्रदान की है लाल लकीर की मंजूरी तो हमारी रैंक कितनी है लोकतंत्र सूचकांक में 53 कितनी रैंक है 53 थ्री नवाचार में 46 सिक्स नवाचार में 46 बिल्कुल सही बहुत बढ़िया साथी बहुत शाबाश तरेपन और किस राज्य सरकार ने लाल लकीर यह पंजाब सरकार ने शुरू किया लाल लकीर किसने शुरू की है पंजाब सरकार ने यूसुफ पठान किस क्रिकेट किस घरेलू क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं यूसुफ पठान किस घरेलू क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं यूसुफ पठान आगे जाते अमेजोनिया वन ये किस देश का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है अमेजोनिया वन बिल्कुल से साथी तो यूसुफ पठान वड़ोदरा से खेलते हैं किससे वड़ोदरा चलिए और अमेजन ये ब्राजील का है इसरो ने ब्राज़ील के सैटेलाइट आ जाते हैं कार्बन पद चिन्ह का आकलन करने के लिए भारत का पहला मोबाइल ऐप किस के राज्य केंद्र सरकार द्वारा कार्बन वॉच कार्बन वॉच का मतलब है कि एक व्यक्ति कितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है या उसके कार्यों से सीओ टू का उत्सर्जन हो रहा है ऐसा करने वाला पहला बताइए यहीं पर उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क भी है उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ चलिए लेंटर्न फेस्टिवल किस देश ने लेंटर्न फेस्टिवल या लालटेन तो याद रखिएगा चीन ने ईयर ऑफ ऑक्स लेंटर्न फेस्टिवल अट्टोकल पोंगल यह किस राज्य में मनाया जाता मैं कह रहा था ना क्वेश्चन आते हैं अट्टूकल पोंगल होता है तमिलनाडु लेकिन अट्टुकल पोंगल पूछा है क्या पूछा अट्टुकल पोंगल और इराकी गारेली ये कहा के नए प्रधानमंत्री बने इराकली गैरवी तो याद रखिएगा अट्टुकल पोंगल केरल का होता है जबकि पोंगल केवल तमिलनाडु का और इरकली ये जॉर्जिया जॉर्जिया की राजधानी होती है तबीलिसी जॉर्जिया की राजधानी क्या होती है तबिलिसी चलिए आगे आ जाते हैं सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किसने किया और साथ ही किस पड़ोसी देश में 25 हेल्थ सेंटर के लिए चार समझौते हुए 25 हेल्थ सेंटर के लिए बताइए सरस आजीविका मेला यह नोएडा में आयोजित किया गया कहां पर आयोजित किया गया साथ ही नोएडा में सरस आजीविका मेला और फोर एमओयू पच्चीस हेल्थ पोस्ट के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, जो भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश में 25 स्वास्थ्य तो नेपाल के साथ किस के साथ किसके समझौता किया साथी? नेपाल के साथ समझौता है चलिए आर्कटिका एम यह किसरे सैटेलाइट लॉन्च किया है, है? जिससे कि आर्कटिक महासागर पर नजर रख सके आर्कटिका एम यह किसने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है और साथ ही घरों की पहचान चेलिक नाम स्कीम डॉटर्स नेम इज होम्स आइडेंटिटी डॉटर्स नेम की घर की पहचान बेटी के नाम यह योजना किसने शुरू की है घर की पहचान बेटी के नाम याद रखते चलना यह रूस ने आयम और घर की पहचान बेटी के नाम उत्तराखंड उत्तराखंड में ही सृष्टि गोस्वामी एक दिन की सीएम बनी थी संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अपॉइंट किया गया है और विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में गोल्ड जीता किस राज्य से है किस राज्य से है बताइए तो लिगिया नोरोना लिगिया नोरो इन्हें चुना गया है और विनेश फोगाट ये हरियाणा से बच्चा विनेश फोगाट कहां से हरियाणा से आगे आ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव ये एक से सात मार्च उत्तराखंड पर्यटन द्वारा कहां पर आयोजित किया गया अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा कहां पर बिल्कुल सही तो ऋषिकेश में कहां पर साथी ऋषि ऋषिकेश में ऋषिकेश में आयोजित किया गया इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया केस में सभी जानते हैं अपना गोल्डन आर्मी करंट अफेयर ग्रुप है डेली क्विज होती है इससे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा अब हम लोग आपको दो तीन चीजें और बता रहे हैं अब मुझे बताते चलिएगा सी फोर्टी क्या है आगे आपका आ जाता है जितेंद्र मोहन को कौन सा अवार्ड मिला है जितेंद्र मोहन को कौन सा अवार्ड मिला है शिशिर बहेरा को कौन सा अवार्ड मिला है शिशिर बेहरा को कौन सा अवार्ड मिला है एफ आई एच पुरस्कारों में बेस्ट प्लेयर बेस्ट प्लेयर उभरता हुआ खिलाड़ी गोलकीपर उभरता हुआ खिलाड़ी गोलकीपर और साथी कोच मेल फीमेल में किसको मिले हैं मेल और फीमेल पुरुष और महिला कैटेगरी में किसको मिले हैं अभी तक चिकित्सा फिजिक्स चिकित्सा भौतिकी फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री रसायन और साहित्य के नोबेल प्राइज की घोषणा हो चुकी है ये किस किस को मिले आप लिखिए साहित्य के नोबेल प्राइज की घोषणा हो चुकी है ये किस किस को मिले हैं ये भी आप जरूर लिखिए जंबो वन ये किस चीज की किस्म है नेथरा जंबो एक आईसीएआर की स्थापना कब हुई थी डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी डब्ल्यू एच ओ की मलेरिया के बारे में बताइए मलेरिया के बारे में बताइए मलेरिया कब तक खत्म करने का लक्ष्य है भारत सरकार मलेरिया कब तक खत्म करना चाहती है भारत सरकार मलेरिया आगे आपको बताना है महाराष्ट्र में विधानसभा लोकसभा ये सब तेलंगाना में असम में लोकसभा राज्यसभा सिक्किम में आपको विधानसभा लोकसभा राज्यसभा सब कुछ बताना है सिक्किम में आपको सब कुछ बताना है मारूनी डांस यह किस समुदाय का नृत्य है मारूनी नृत्य एक साथी किस समुदाय का नृत्य है मारूनी नृत्य निर्मल पेंटिंग यह किस राज्य की पेंटिंग है निर्मल पेंटिंग यह किस राज्य की पेंटिंग है बताइए सी फोर्टी यह दो हजार पांच में लंदन में चालीस देशों 40, 40 शहरों का क्लाइमेट से रिलेटेड जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड लॉन्च किया था फॉर क्लाइमेट इनकी एक पहल है जो इन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ लॉन्च किया किसके साथ लॉन्च किया महाराष्ट्र सरकार के आमा योजना किसकी योजना है आमा योजना बीस हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे किस सरकार की योजना है जितेंद्र मोहन इंटरनेशनल स्पोर्ट इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी का स्पोर्ट साइकोलॉजी का इनको अवार्ड मिला है स्पोर्ट साइकोलॉजी का मनोविज्ञान का खेल मनोविज्ञान शिशिर बेहरा ई e. एस डी ए पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार पर्यावरण बेस्ट प्लेयर की बात करें हरमनप्रीत सिंह और इसमें गुरजीत कौर फीमेल में गुरजीत कौर याद है ना उभरते हुए खिलाड़ियों में विवेक प्रसाद विवेक प्रसाद और महिलाओं में उभरती हुई खिलाड़ी कौन थी जरा बताइए हाँ शर्मिला कुछ करके नाम था शर्मिला कुछ करके नाम था ना चलिए गोलकीपर की बात करें पी आर पी सी आर देख के सब लोग रुक जाते हैं श्रीजेश और साथीधरे सविता गोलकीपर सविता चलिए कोच ग्राहम रीड पुरुषों के और इधर होता है सोजार्ड मारिजने चलिए चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा का क्या बताया था डॉक्टर ने डॉक्टर ने वीडियो देखकर जुलाई में, में मेरा इलाज शुरू किया ठीक है जुलाई में जब कोरोना था वीडियो देख के वीडियो में अब नब्ज तो वो देख नहीं पाया और मुझसे बोला डैम शोर हूं बताए तुम्हें कोरोना है चलिए फिजिक्स कलेसा मिट गया कलेसा मिट गया जब से जियो आ गया जियो पेरिसी और अब खूब हंसो अब खूब हंसो कलेसा मिट गया जब से जियो आ गया अब खूब हंसो अब क्या हंसो खूब हंसो रसायन इसमें आ जाता है एक बेंजामिन बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन साहित्य अब्दुल रजाक गुना गुनहा ने एक काजू की किस्म है आईसीआर आर उन्नीस सौ उनतीस सातअपल उन्नीस सौ अड़तालीस मोस्क्यूरिस्ट नाम किस की इसकी दवा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है तेलंगाना एक सौ उन्नीस एक सौ उन्नीस चालीस सत्रह सात दो सौ अठासी अठहत्तर अड़तालीस उन्नीस एक सौ छब्बीस चौदह सात बत्तीस एक एक ये नेपाली समुदाय है सिक्किम का उसका डांस है निर्मल पेंटिंग तेलंगाना की है आमा योजना सिक्किम की है आमा योजना किसकी है सिक्किम की तो इस तरीके से आप लोगों को आज के भी मैंने दोबारा से याद करा दिए ठीक है भाई क्लास कैसी लगी कह रहा हूं कि जब नोबेल प्राइज को तुम लोग बार 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 लिख के याद करोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा ठीक है भाई अब बताइए क्लास कैसी थी तुम लोग खुश हो सभी लोग लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए मैं कह के जा रहा हूं क्या कह के जा रहा हूं कि बच्चा लिख लिख के याद जरूर करना है पेपर में आएगा एक एक चीज कुछ भी भाग नहीं जाना सेकंड चीज अभी आठ बजे से सुपर थर्टी मैथ की इधर यूपीएसआई की दीपक चौधरी सर की रीजनिंग फिर नौ बजे एस एस की प्रीति मैम के साथ रीजनिंग दस बजे एस एस सी लेखपाल सबके लिए सोनम मैम की स्ट्रेटेजी तो के और इधर शुरू हो जाएगी साथी आपकी दस बजे से संविधान कल आपकी सुबह मैराथन है छह से तो एक क्लास होगी करंट की और आठ से एस एस की मैराथन है परसों यूपीएसआई की मैराथन भी एस एस की भी है और परसों सुबह ग्यारह बजे मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा बहुत अच्छा सांट की, की बोला कि पुराना मुझे और आपको कराना एक, एक चीज और साथ में राज्य कराऊंगा तो कैसा कराऊंगा कहीं मिला लेना किसी किताब में किसी की, की मैं कुछ नहीं मिलेगा ठीक है भैया बेटा मैंने ये नहीं कहा था कि डायनामाइट की खोज अठारह में हुई थी मैंने कहा था अठारह में उन्होंने अपनी वसीयत बनाई थी कि जिसमें नोबेल प्राइज का जिक्र था समझे मैंने सिर्फ डायनामाइट की खोज बताई थी ठीक है बच्चा तो चलिए सभी लोग आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना माता रानी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करें खूब आप पढ़ाई करें धन्यवाद थैंक यू जय हिंद